देखिए 8.2 हो गई थी, 8.3 की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट बताना चाहिए। प्रॉफिट क्या है? मान लीजिए आपने कोई चीज 50 रुपये खरीदी, कितने भी खरीदी 50 रुपये खरीदी, तो जो हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, मतलब जितनी की आपने खरीदी वो होगी हमारी कॉस्ट प्राइस। जिसमें आप बेचेंगे, मान लो आपने इसको 60 रुपये का बेच दिया, कोई भी चीज खरीदी, मान लो पत्थर खरीद लिए, चौक खरीद ली, पेन खरीद ली, कॉपी खरीदी, कुछ भी मान लो, ठीक है, जो बेचेंगे उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट मतलब जो रुपीज है उसका प्राइस, मतलब जो आपने खरीदा उसको प्राइस जो होगा हमारा, वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगा, जितना इसको बनाने में लगा होगा, या फिर जो आपने दुकानदार से जो आपने पहली बार खरीदा वो कॉस्ट प्राइस। सेलिंग मतलब बेचना, तो जितने में बेच दिया होगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस अगर सेंटर पे है, अगर आपने ज्यादा में बेच दिया तो आपको क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कैसे निकालेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? हर कोई कहेगा 10 रुपये का हो रहा है, सिंपल सी बात है। 50 की चीज खरीदी, 60 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपये का हुआ। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को, तो निकल जाता है प्रॉफिट। अब मैं वही लॉस की बात करूं, लॉस होगा आपने 50 रुपये की चीज थी उसको कितने में बेच दिया? 40 रुपये में बेच दिया। ये भी क्या है? देखो यहाँ सेलिंग प्राइस जी है, बात वही कह रहा हूँ, 50 रुपये की चीज आपने 60 में ना बेच के अब कितने में बेच दी? 40 रुपये में बेच दी, ठीक है, 40 रुपये में बेच दिया आपने, तो ये कितने की कितने का लॉस हो गया हमें? इसमें 10 रुपये का हो गया। कैसे निकाला हमने? सेम वही सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस अब नहीं, अब थोड़ा उल्टा हो जाएगा, क्या? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये दोनों फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, को इजी से समझ में भी आ गया होगा क्या लॉस होता है क्या प्रॉफिट होता है। तो हमें सिंपल सी बात है, तो हमें हमेशा आता ही है कब हमें लॉस होता है कब हमें प्रॉफिट होता है। छोटा सा बच्चा भी जानता है कि कोई चीज जितने में खरीदी उससे ज्यादा में बेचो तो प्रॉफिट, कम में बेचो तो लॉस। तो ये फॉर्मूले रखने नहीं है, पहली बात, ये फॉर्मूले हमें समझने हैं और जो हम लोग करते हैं डेली लाइफ में वही करना है। दुकानदार के पास गए, 5 रुपये का कुरकुरा लेके आ गए, भाई आया या बहन आई कोई भी आया, आपने उसको बेच दिया, उसने कहा दे दे तो मेरे को, तुमने कहा 10 रुपये दो, मतलब क्या 5 रुपये का हम सीधे तुम प्रॉफिट ले रहे हो ना, तो कितने रुपए का बेचोगे तुम उसको? 10 रुपये का बेचोगे, सिंपल सी बात है। कैसे पता चल गया तुम्हें? क्योंकि तुम्हें का 5 रुपये और दो, मतलब 10 रुपये दो, तुमने 5 का खरीदा था, खरीदा कितना था? कॉस्ट प्राइस कितने का? 5 का। बेचा कितने में? 10 रुपये में। कितने का प्रॉफिट? सेलिंग प्राइस माना कॉस्ट प्राइस। अब कोई आ गया आपसे बड़ा हट्टा कट्टा, उसने कहा दे दे 5 रुपये खरीद कर दे दे, अब आप डर के कहोगे कुछ तो दे दो, उसने कहा ले 1 रुपये ले, उसने 1 रुपये आपके हाथ में दिया और वो कुरकुरे का पैकेट ले गया, तो उसे क्या हो गया आपको यहाँ पे? वो लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 4 रुपये का कहोगे। कैसे पता चल गया? जो कॉस्ट प्राइस था वो ज्यादा था, सेलिंग प्राइस कम था, तो कम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, कितने का? 4 रुपये का। जो ज्यादा होता है हमेशा उसी में से माइनस करते हैं, हमने बच्चों में सीखा था। तो यहाँ प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है इसलिए इससे करते हैं, लॉस में ये ज्यादा होता है सीपी ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है इसलिए इससे करते हैं, यहाँ सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है यहाँ कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। बस देखो और एक और फॉर्मूला याद रखना है, वो भी याद नहीं रखना हमें, वैसे याद ही रहता है हमें, कभी भी मैंने आपको बताया हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो किस में से होता है? कॉस्ट प्राइस में से होता है। जब तक हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता तब तक का हमें क्या लॉस क्या प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट क्या लॉस। अगर मैंने कहा आपने कोई चीज 20 रुपये की बेची, मैंने कहा बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? आपको कोई 20 रुपये की बेची प्रॉफिट हुआ लॉस? सोचते रह जाओगे और पता ही नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता आपने खरीदी कितने में थी, बेच तो दी, अगर आपने 40 में खरीदी होगी तो लॉस और 10 रुपये में खरीदी होगी तो प्रॉफिट। तो जब तक का हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता तब तक हम बता ही नहीं सकते क्या कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, हमसे कोई पूछेगी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है फॉर्मूला, तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट परसेंटेज बिना कॉस्ट लॉस हो या प्रॉफिट हो हम सीपी के बिना नहीं निकाल सकते हैं, दिमाग में बैठा लो। जब तक का हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, जब तक हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता हम नहीं बता सकते। तो हमेशा लॉस लिखो या प्रॉफिट लिखो अपॉन में सीपी तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट, इसको बदलना है परसेंटेज में तो इंटू कर दो 100 से, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ को लिखना है लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज लिखना है तो यहाँ क्या लिख दोगे आप? अपॉन में तो सीपी रहेगा ही रहेगा, अपॉन में सीपी रहेगा ही रहेगा,
ऊपर आ जाएगा हमारा क्या लॉस, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए इंटू कर देंगे 100 से। तो फॉर्मूले सबको याद होंगे, जिसको भी फॉर्मूले याद हुए हैं सब आपके फॉर्मूले लिखने हैं। कितने फॉर्मूले, 1, 2, 3 एंड 4। ये क्लास 8th में भी आपके काम आने वाला है, तो ऐसा मत समझिए क्लास 8th में आपके काम नहीं आएगा। तो याद रखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जिसको फॉर्मूला याद हो गया उसके लिए बढ़िया है, उसको जल्दी जल्दी बना लेगा। जिसको याद नहीं हुआ है एक बार देख लीजिएगा। देखो पहला बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार जल्दी से। तो इसमें क्या रहा है ये कि गार्डनिंग सेल्स बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 325। उसने बॉट मतलब होता है खरीदना, सेल सोल्ड मतलब होता है बेचना। सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, मतलब बेच दिए। ठीक है, सेल सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड होती है। ठीक है, ऐसे बाई, बाई का क्या होता है BUY, बाई इसका क्या होता है BOUGHT, बॉट। ठीक है, बाई मतलब खरीदना, प्रेजेंट में खरीदोगे, बॉट मतलब खरीद दिए। ठीक है, सेल मतलब बेचना, सोल्ड मतलब बेच दिए। ये हो गया बेचना, ये हो गया बेच भेजना लिख रहा हूं, बेचना और ये हो गया बेच दिए। क्या बेच दिए, समझ में आ गया। ऐसे होता है बाय मतलब खरीदना और ये खरीद दिए। ठीक है, ये हो चुका है, ये खरीदना मतलब खरीद रहा है अभी। तो अगर वो ये आई एम बाइंग कार, आई एम बाइंग कुछ भी कहोगे तो हम खरीद रहे हैं। ठीक है, आई बाई आ जाएगा उसमें, बॉट आई बॉट मतलब मैंने खरीदा। ठीक है, इंग्लिश भी हो गई थोड़ी सी। ठीक है, ये जरूरी है, मेरे को बताना पड़ता है क्योंकि फिर बच्चे पूछते हैं सर सोल्ड मतलब सर बॉट मतलब, तो मैं पहले बता देता हूँ। समझ में आ गया, बॉट मतलब खरीद दिए हैं। तो कितने में खरीदा इसने, 250 में खरीदा। तो खरीदने को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दे रही है 250। सोल्ड मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस कितने में बेच दिया, 325 में। तो क्या हुआ, कोई बच्चा भी बता देगा इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इतने में खरीदा। बताया ना सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। देखना समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में खरीदे, अभी बताया था। सेलिंग प्राइस मतलब जितने में बेचा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, वो प्रॉफिट हुआ है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने ज्यादा में बेचे हैं। कितने में बेचा, 225 माइनस 250, कितने में ज्यादा में बेचा है बता देंगे, 75 रुपीज ज्यादा में बेचा है। तो क्या निकालेंगे इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज। कह रहा है लॉस परसेंटेज निकालो या प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन, हमेशा कहा था क्या होता है अपॉन सीपी होगा। प्रॉफिट हो लॉस हो हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ही होगा। तो निकाल दो सीधे से, प्रॉफिट कितना हुआ 75 का, खरीदा कितने में था 250 में इंटू 100। मैं इसको 25 से कट कर रहा हूँ, 25 10 टाइम, 25 से 4 टाइम। ठीक है, अगर चाहो तो इसको 5 से कट कर लीजिए, अगर नहीं चाहते 5 से कट करना तो छोड़ दीजिए। चलो तो 5 से कट करना इजी रहेगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, 5 से कट करूँ तो 5 हो जाए 5, 5 5 जाए 25, 15 हो गया, 2 से ही कट कर दो 2 टाइम, तो ये कितने का हो गया 30% का, इसको क्या हो गया यहाँ पे वो प्रॉफिट हो गया। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, इसको 30% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसके जैसे बाकी क्वेश्चन हैं, आपको बाकी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इसके बाकी सेक्शन है जो, ठीक है, वो आपने क्या करना है, खुद बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया इसको 75 का और प्रॉफिट परसेंट हो गया 30%। इसके बाकी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसका एक क्वेश्चन बनाना बहुत था, बाकी आप देख लीजिए जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, जिसमें हमें ज्यादा में बेचा प्रॉफिट, कम में बेचा लॉस, ये तो बच्चे जैसे क्वेश्चन हुए। तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकाल सकते हैं आप, किसको नहीं आया समझ में प्लीज पूछ लीजिएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछ सकते हैं आप। तो इसके बगल कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। देखो ये मैं बता देता हूँ जल्दी से क्यों,